Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope you are preparing well, and let's begin with the current affair of 10th March 2023. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला न्यूज़ हम जो देखेंगे वो है रिगार्डिंग UPI लाइट। तो देखो, UPI लाइट क्या है? UPI लाइट को समझने से पहले आप नॉर्मल UPI को समझो। देखो, एक तो क्या होता है, आज के दिन में UPI इतना प्रिवेलेंट है कि हम छोटे ट्रांजैक्शन 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का ट्रांजैक्शंस जो है, इवन 100 रुपीस, वो हम UPI के थ्रू करते हैं। तो इससे ये होता है कि बैंक, एक तो आपके पासबुक में बहुत सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, बट दैट नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो कहीं और है। अगर आप 5 रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहे हो या 50,000 रुपये का, बैंकिंग सर्वर एंड NPCI सर्वर पे जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है वो सिमिलरली आता है। मतलब इट डजेंट काउंट द अमाउंट दैट यू आर ट्रांसफरिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन। तो जिस वजह से क्या होता है ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आपने याद होगा, कुछ दिन पहले RBI ने एक ओपन पेपर पे ये कहा है कि RBI चाहता है कि इसमें MDR आए, बट इसमें RBI या गवर्नमेंट एक टाइमलाइन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बिकॉज जब ये होगा तब ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो आप 50 रुपये का ट्रांजेक्शन करोगे, आपको 1 रुपये का कॉस्ट आएगा, यू विल बी रिलेक्टिंग टू डू, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन RBI एंड NPCI हैज़ ट्राइड टू फाइंड थ्रू UPI लाइट। अब मैं यहाँ लाइट लिख देता हूँ। UPI लाइट है क्या? ये एक वैलेट ही है मानो, लेकिन ये कोई प्राइवेट वैलेट नहीं है। देखो, वैलेट फीचर तो पेटीएम में भी है, फ़ोनपे में भी है ना, बहुत मल्टीपल ऐप्स में है। लेकिन उसके वैलेट और इस वैलेट में फ़र्क क्या है कि उस वैलेट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा पेटीएम वैलेट में, उसके बाद आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। अब अगर मर्चेंट पेटीएम वैलेट एक्सेप्ट करता है तो आप ट्रांसफ़र कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ये एक चैलेंज है। तो मतलब आपको मल्टीपल वैलेट्स में पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप क्यों करोगे? और जब तक आपको कॉस्ट नहीं बैठ रहा UPI में, आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का ट्रांजेक्शन करते रहोगे, हु केयर्स, राइट? बिकॉज हमको तो ईज चाहिए, जो हमको मिल रहा है तो हम वही करेंगे। सो इसलिए गवर्नमेंट ने, मतलब NPCI एंड RBI ने क्या इंट्रोड्यूस किया, UPI लाइट। सो UPI लाइट सेलेक्टेड ब्लैंक प्लेटफॉर्म में ही एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बोलो तो SBI में बहुत पहले से एनेबल्ड है, एंड कल के दिन में ये पेटीएम बैंक में भी एनेबल हो गया है। अब इसमें क्या हो सकता होता है कि यहाँ पे आप एक बार में 2,000 रुपीज लेट से आप ट्रांसफ़र कर लिए, तो UPI लाइट एक सेपरेट वैलेट है। मतलब दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू पेटीएम, ठीक है? ये आपका SBI में भी होगा। तो यहाँ पे आप 200, मैक्सिमम 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकोगे। मान के चलो आपको किसी को 10 रुपये देना है, तो विदाउट पिन आप ये 10 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये पेमेंट कभी भी फेल नहीं होगा। UPI पेमेंट फेल भी होता है अगर बैंक के एंड में कोई इशू रहा, क्योंकि पैसा कटता है बैंक के एंड में, तो बैंक के एंड में कोई इशू रहा तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। सो UPI लाइट में ऐसा नहीं होगा। UPI लाइट का ट्रांजैक्शन हमेशा सक्सेसफुल ही होगा अगर आपके इसमें वैलेट में पैसा है तो। द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन यू नो पे विदाउट पिन इज ₹200। तो ये सब सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। और एंड ऑफ द डे आपने जितना सारा भी UPI लाइट ट्रांजैक्शन किया, आपको एज एन SMS आ जाएगा, ठीक है? तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा बैंक अभी इसको एनेबल किया है? इट्स पेटीएम पेमेंट बैंक। अब हम चलते हैं आगे, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में वो है भानु बोरा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सिटी बैंक का जो रिटेल आर्म था, उसको सिटी बैंक ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? एक्सिस बैंक को। समवेयर अराउंड 11,500 करोड़ के आसपास का एक डील था, वो डील से उन्होंने कर दिया। तो अब उनका कमर्शियल बैंकिंग बच गया है, जिसको उनको इंडिया में चलाना है, बिकॉज दैट इज़ वेयर दे आर अर्निंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे सिटी बैंक ने अपॉइंट किया है मिस्टर भानु वोरा एज द हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। यह आपको याद रखना होगा, ठीक है? कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस के हेड कौन है? भानु वोरा। अगर सिटी बैंक CEO की बात करो तो कौन है? आशु खुल्लर, ठीक है? चलिए अब हम जाएंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है रिवार्ड मैकेनिज्म, ठीक है? तो सेबी ने एक रिवार्ड मैकेनिज्म अनाउंस किया है फॉर प्रोवाइडिंग टिप्स
ऑन डिफॉल्टर। तो देखो, एक होता है डिफिकल्ट टू रिकवर कैटेगरी। डिफिकल्ट टू रिकवर कैटेगरी में जो डिफॉल्टर्स है उनमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने के बाद भी रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर वैसे लोगों का कोई इंफॉर्मेशन देता है एसेट का एंड से भी उसको रिकवर कर पाता है तो 10% ऑफ द ड्यू और ₹20 लाख जो सबसे कम है वो ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो ये है रिवार्ड मैकेनिज्म सेवी का। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है फोर्थ कमेमोरेटिव टेस्ट मैच। तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये न्यूज़ आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि कल के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बमिस, ठीक है, ये दोनों ने जो गुजरात में मैच हुआ है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उन्होंने बैठ के देखा है। लेकिन मान के चलो आपको सवाल में ये पूछा कि ये कौन सा, विच एडिशन ऑफ कॉमेमोरेटिव टेस्ट मैच, तो आपका जवाब फोर्थ होना चाहिए। कहाँ पे हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, गुजरात। ये छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में देना है कि ये फोर्थ एडिशन था। अब हम चलेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है एमपीएक्स। तो देखो, एक याद होगा आपको कुछ महीने पहले हमने इस न्यूज़ को पढ़ा था। एमपीएक्स जो कि एक ट्राई सर्विस ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी लीड किया है, राइट। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर गेम। तो ये अब ख़त्म हो गया। ये कब? नवंबर 2022 में शुरू हुआ और मार्च 2023 में ख़त्म हुआ। इसमें पार्टिसिपेशन हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस का था, आर्मी, एयरफोर्स एंड द कोस्ट गार्ड। नेवी तो था ही, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ विंस अबाउट 2023। देखो, ये फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड, विंस अवार्ड, ये लॉन्च कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना है, ये 8 मार्च से 5 अप्रैल तक ओपन रहेगा, उसके बाद ये अवार्ड को डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें कितना कैटेगरी है? टोटल 5 कैटेगरी हैं। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो एंटरप्राइज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड इंडिविजुअल वुमेन लीडर्स, स्वच्छता चैंपियंस। तो ये सारे लोग इस पे हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़, वो है 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। इंडिया बैक्स गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 एट ITB बर्लिन 2023। तो ये न्यूज़ ध्यान देने का ये है, गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन गेट टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? ITB बर्लिन में हुआ। इंडिया को क्या अवार्ड मिला है? गोल्डन एंड सिल्वर स्टार, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, कहाँ पे मिला है? गोल्डन गेट टूरिज्म, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। कहाँ हेल्ड हुआ है? बर्लिन 2023। तो ये सब न्यूज़ आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये न्यूज़ हमने पहले भी देखा है कि जो Y20 कंसल्टेशन मीटिंग है ये कहाँ पे होने वाला है? पुणे में होने वाला है। तो ये फोर्थ मीटिंग होने वाला है Y20 कंसल्टेशन मीटिंग का। कब? 11th मार्च से, मतलब कल से। विद दिस वी आर डन फॉर द डे, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन एक सवाल रह जाता है, कैसे? तो मैं आगे वाले स्लाइड में एक छोटे से वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। IXAM courses make your preparation 50% faster because of its three unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. IXAM bhi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy.
You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXAMPI takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBII, PPSPO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.